हरे कृष्णा। माना जाता है कि झाड़ू समेत घर की कई चीज़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू हर घर में इस्तेमाल होने वाला एक सामान्य चीज़ है और ऐसा माना जाता है कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी झाड़ू का अपमान ना करें। झाड़ू से जुड़े कई नियम और टोटके हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। घर में झाड़ू रखने को लेकर घर के बाहर फेंकने तक के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो कभी भी किसी के भी बाहर निकलने के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, खास तौर पर जब घर के बड़े ऐसा करें तो। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत ना फेंकें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। हिंदू धर्म में घर में नई झाड़ू लाने के तुरंत बाद पुरानी झाड़ू फेंकना अशुभ माना जाता है। इसकी बजाय होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू दिखाई दे तो अशुभ माना जाता है। यह आर्थिक नुकसान के संकेत होते हैं। यदि आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। गुरुवार या शुक्रवार को पुरानी झाड़ू ना फेंकें, क्योंकि ये वे दिन हैं जब लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन झाड़ुओं को फेंक देने से लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती हैं, जिससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में आपका जवाब चाहिए। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।